तो नमस्कार फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हमारा टॉपिक क्या है, वो है RDS इंस्टांस पे कोई डाटाबेस बनाना। MySQL बनाएंगे आज हम RDS इंस्टांस पे। हमें काफ़ी सवाल मेल किए गए थे सब्सक्राइबर्स द्वारा। सो आज हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब दे पाएँ। उनमें उन्होंने पूछा था कि RDS इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, उसे EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कैसे करते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक EC2 इंस्टेंस बना लिया है, ठीक है, ताकि हम इस वीडियो में अपना टाइम सेव कर सकें। और मेरे पास एक रनिंग EC2 इंस्टेंस है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक RDS इंस्टेंस बनाऊँगा और उस RDS इंस्टेंस से हम अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम रिलेशनल डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल डाटाबेस एक AWS की सर्विस है जो AWS खुद मैनेज करता है। सो आप लोगों को एक डाटाबेस बना के दे देगा वो उसको उसकी रिडंडेंसी मैनेज करेगा, उसका बैकअप मैनेज करेगा, उसकी पैचिंग मैनेज करेगा, आप सिर्फ उसको यूज़ करोगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम कहाँ, ये हमारी ऑप्शंस हैं इंस्टांसिस पे। पहले हम गेट स्टार्टेड नाउ पे जाते हैं, अपना डाटाबेस सिलेक्ट करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया MySQL, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब भी हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन आएंगी, प्रोडक्शन और डेव इन्वायरमेंट, किसके लिए बनाना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो डेव में बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेप। तो फिर ये हमारी जो ऑप्शंस आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। पहले आपसे लाइसेंस मॉडल पूछा जाएगा, मैं JPL ही मांग रहा हूँ, लेकिन एक और लाइसेंस मॉडल होता है जो बोलते हैं हम BYOL, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, तो वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। DB इंजन वर्जन मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। क्लास DB में DB T2 माइक्रो, और मल्टी AZ में रखना चाहता हूँ कि नहीं। मल्टी AZ रिडंडेंसी के लिए होती है। अगर आप मल्टी AZ में रखोगे तो वो सिंक्रोनसली आपके डाटाबेस को एक रेप्लिका बना देगा दूसरे AZ में, ता जो इन केस ऑफ फेलियर आपका डाटा रिटेंडर रह सके। लेकिन मैं इस लैब के लिए सिर्फ एक मल्टी एजी को बंद रख रहा हूँ। ये मेरे DB इंस्टांस आइडेंटिफायर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना होगा। DB इंस्टांस मतलब मेरे पूरे रीजन में डाटाबेस का नाम यूनिक होना चाहिए। तो मैं रख रहा हूँ बैश, डाटाबेस का नाम बैश रखा। मास्टर यूजर मैंने रख दिया पाल मास्टर, और मैंने एक पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। जब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे तो पहले मेरी ऑप्शन आएगी कौन सा VPC सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने अपना VPC सिलेक्ट कर लिया। सबनेट ग्रुप मैं डिफ़ॉल्ट रखने वाला हूँ, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं रख रहा हूँ मैं इस डाटाबेस को। अवेलेबिलिटी जोन मैंने West 2A सिलेक्ट कर ली। VPC सिक्योरिटी ग्रुप मैंने RDS लॉन्च विजार्ड बना दिया, जिसमें मैंने 3306 को पोर्ट को अलाउ करवाया और SSH को अलाउ करवाया, और बैकअप और मेंटेनेंस के ये दो ऑप्शंस हैं। आपका डाटा 7ों दिन बैकअप होना चाहिए। आप खुद डिफाइन कर सकते हैं रिटेंशन कि कब तक आपको रिटेंशन चाहिए, मैक्सिमम 35 डेज है। आप मेंटेनेंस विंडो भी खुद डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो माइनर पैचेस को वो खुद ही पैच कर देगा डाटाबेस को डाउन करके। अब मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो अब मेरा ये डाटाबेस लॉन्च हो रहा है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लेता है लॉन्च होने के लिए, अवेलेबल है। तो अब हम अपने डाटाबेस की डिटेल चेक करेंगे। तो ये मेरे डाटाबेस का एंड पॉइंट है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा एंड पॉइंट है इसको मैं यूज़ करके अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा EC2 इंस्टांस है, मैं करूँगा लेट मी रीस्टार्ट इट, और मैं कर रहा हूँ MySQL -H -P जिस पोर्ट पे मैंने कनेक्ट करना है, -U यूजर हो गया, और -P हो गया पासवर्ड। आई थिंक पी पी शुड बी कैपिटल। तो ये देखिए, मैं अपने डाटाबेस में लॉगिन कर गया हूँ और मैं अपने डाटाबेसेस को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह हम अपने
RDS इंस्टेंस को यूज करके अपना मैनेज सर्विसेज को यूज कर सकते हैं AWS की। तो ये काफ़ी सब्सक्राइबर्स की क्वेरी थी, और अगर आपको लग रहा है कि वी हैव सॉल्व इट तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई और डाउट्स हैं, और सब्सक्राइब कीजिए इन ट्यूटोरियल्स को, और ऐसे देखते रहिए AWS के बेस्ट ट्यूटोरियल्स। और हमारा यही कोशिश है कि हर बंदा या टेक्निकली साउंड हो सके और हम इफेक्टिवली ये चीज़ें आप तक पहुंचा सकें।